दोस्तों आज जैसे कि मार्केट ने एक हॉल किया है और जैसे कि फ्लैट क्लोजिंग दिया है इतने जो कि रैली के बाद, तो जैसे हमने कल प्रिडिक्ट किया था कि आज जो कि मंथली एक्सपायरी है तो मार्केट यहाँ पे हॉल्ट कर सकता है, लेकिन अभी नेक्स्ट की मार्केट यहाँ से कंटिन्यूशन करेगा या फिर रिवर्स होगा, ये हम लोग ये वीडियो में देखेंगे। आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे कि 30 अप्रैल को मार्केट कैसे रहेगा, निफ्टी बैंक निफ्टी और जिन स्टॉक में मुझे लग रहा है कि इंट्राडे में कुछ मोमेंटम रहेगा मैं आपके साथ शेयर करूंगा, तो आप वीडियो अभी तक देखते रहो। तो हाय फ्रेंड्स, मैं दीपक बोल रहा हूँ और स्टॉक गुरु दीपक चैनल में आपका स्वागत है। जिन दोस्तों ने हमारे चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया होगा प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ये चैनल के ऊपर हम लोग ऐसे एजुकेशन वीडियो लाते रहते हैं, डेली वीकली और टेक्नोलॉजी के बहुत सारे वीडियो है, वो देख के आप टेक्नोलॉजी सीख सकते हो। तो चलिए दोस्तों हम लोग चार्ट के ऊपर जाके देखेंगे कि कल के लिए मार्केट कैसा रहेगा। तो दोस्तों हम लोग शुरुआत करते हैं निफ्टी से। निफ्टी एक 30 पॉइंट पॉजिटिव है, बैंक निफ्टी 8 पॉइंट नेगेटिव है। तो जैसे कि हमने कल डिसाइड किया था कि मार्केट मोस्टली यहाँ पे साइडवेज होना चाहिए, जैसे कि हम डिसाइड नहीं करते बट मार्केट के ऊपर हम लोग पहले जो मूवमेंट हुआ है उसके ऊपर हम लोग एक अंदाजा लगाते हैं। तो पहले यहाँ पे जो रेजिस्टेंस था 15,000 का, तो 15,000 एक राउंड फिगर है, वो जैसे कि वन शॉट में यहाँ पे क्लियर नहीं करेगी। यहाँ पे अगर यहाँ से क्लियर होता तो डब्ल्यू पैटर्न बनेगा, लेकिन इतना रन करने के बाद मार्केट थोड़ा हॉल्ट लेगा, तो अगर ये ऊपर ब्रेकआउट करेगा या फिर से ऐसे रिवर्स होगा, तो यहाँ पे जैसे मैंने कल कहा था आपको 14,000 का ये जो लेवल है 14,700 का, अगर ये लॉन्ग टर्म के लिए यानी कि अप ट्रेंड के लिए ये अपना एसएल रहेगा, इसको ब्रेक नहीं करते हुए मार्केट यहाँ पे हॉल्ट करता है और कुछ दिन के बाद फिर से 15,000 का जो ये है लेवल है वो ब्रेक करता है, तो एक मोमेंटम अच्छा हो सकता है। मार्केट ने आज जो पॉज लिया था उसका रीजन जैसे कि फंडामेंटल कुछ भी होने दो, टेक्निकली ये होता है कि एक लॉन्ग रन के बाद मार्केट जो है कि थोड़ा हॉल्ट करता है। दूसरा कि एक्सपायरी में बहुत सारे पोजीशन होते हैं तो हेजिंग के, तो उस कवर अप करने के लिए भी मार्केट होता है। अगर इसी का थोड़ा सा सेंटिमेंट कंटिन्यू होता है तो कुछ दिन ये रेंज में मार्केट यहाँ पे रहेगा और ऊपर ब्रेक कर सकता है। अगर नहीं हुआ तो आपको 15,700 का जो लेवल है ये अपना करंट यहाँ पे टॉप लॉस होगा, या फिर और एक सेकंड थॉट ये है कि मार्केट थोड़ा रिट्रेस भी होता है तो ये लेवल को सपोर्ट लेके ऊपर ऐसे जा सकता है। तो ये तीन एक्सपेक्टेशन है, यहाँ से डायरेक्ट जा सकता है एक रिट्रेस करके या फिर ये ब्रेकआउट करके नीचे भी जा सकता है। तो जो भी लेवल होगा हमको कंफर्मेशन मार्केट जरूर देगा, तो ये कंफर्मेशन के बाद ही हम लोग यहाँ पे ट्रेड करेंगे। अदरवाइज यहाँ पे अगर ये ऊपर वाला लेवल है 15,000 के ऊपर अगर मार्केट नहीं जाता है तो ये रेंज जो है यहाँ पे आपको दिख रहा है 15,000 टू 14,700 या 800 के आसपास, ये जो लेवल आ रहा है ये रेंज में मार्केट यहाँ पे थोड़ा बहुत घूमना चाहिए या फिर टाइम यहाँ पे निकालना चाहिए। टाइम स्पेंड करने के बाद ऊपर वाला लेवल ब्रेक करता है अपने लिए अच्छा है। तो मार्केट का ट्रेंड अभी तक अप ट्रेंड है, तो उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है और एक कंटिन्यू हो सकता है। तो यहाँ पे ऊपर वाला लेवल हमको देखना है जो इम्पोर्टेंस रहेगा 49,79, लगभग 15,000 जो हमने कहा है ऑलरेडी मैंने बताया था, और 14,700 जो नीचे देखना है। तो इन बिटवीन हम लोग क्या होता है ये जल्दी देखेंगे। शॉर्ट टर्म के लिए अगर हमको देखना है तो हम लोग 5 मिनट का कैंडल में जाते हैं जहाँ पे आप इंट्राडे के लिए लेवल देख सकते हैं। तो यहाँ पे मार्केट ने देखिए कि ये लेवल के ऊपर ओपन हुआ लेकिन ये लेवल सस्टेन नहीं किया, और जो कि 14,979 का जो लेवल देखिए जैसे ही ब्रेक किया मार्केट में अच्छा शार्प फॉल हो गया, फिर जाके मार्केट एक साइडवेज हो गया और एक साइडवेज ही क्लोज हुआ है। तो अपना यहाँ पे एक लेवल है 14,889, ये उसके आसी पास ही क्लोज हुआ है, लेकिन हमको अगर इंट्राडे में कल आपको बाइंग का मौका देखना है तो आप यहाँ पे देख सकते हो 14,023 के ऊपर अगर जाता है तो आप बाइंग यहाँ पे इनिशिएट कर सकते हो। सेलिंग के लिए हम लोग 14,837 का ये जो लेवल है उसके नीचे ही देखेंगे, क्योंकि यहाँ पे मार्केट का ब्रेक ओवरऑल अभी स्ट्रांग है, तो सेलिंग के लिए हम लोग डेली का लेवल ही यहाँ पे देखेंगे। नेक्स्ट हम देखते हैं बैंक निफ्टी। तो बैंक निफ्टी में देखिए कि एक डोजी पैटर्न एक क्लियर कट बना है, तो डोजी पैटर्न का मतलब ये नहीं होता कि यहाँ से रिवर्सल होगा, कभी होता है अगर उसका लो ब्रेक होके नीचे क्लोज होता है, जैसे कि यहाँ पे 33,275 के नीचे अगर थोड़ा यहाँ पे क्लोज देता है कल तो यहाँ पे थोड़ा नेगेटिव हो सकता है। बैंक निफ्टी ने भी बहुत अच्छा रैली किया था उसके बाद ये हॉल्ट कर रहा है, तो एक नॉर्मल हॉल्ट है,
नेक्स्ट जो मूवमेंट उसका है डोजी कैंडल के ऊपर 34,300, अगर ये लेवल के ऊपर कल या नेक्स्ट वीक में क्लोज करता है तो एक नेक्स्ट फिर से ऊपर रैली एक कंटिन्यूशन कर सकता है। तो ये हॉल्ट है मार्केट का जब तक कि 33 to 75 ये लेवल के नीचे क्लोज नहीं देता, और ये 2 SA में भी है तो यहाँ पे इसका जो अप ट्रेंड है कंटिन्यूशन रहेगा, थोड़ा बहुत यहाँ पे हॉल्ट होगा और फिर से रिवर्स हो सकता है, नहीं हो तो आपको नीचे के जो लेवल्स है उसको आप टॉप लेस लगा के जा सकते हो। इंट्राडे के लिए हम लोग लेवल देखेंगे 5 मिनट के चार्ट के ऊपर। तो 5 मिनट के चार्ट में मुझे ऊपर का जो लेवल लग रहा है डेली में 33,927 का लेवल, इसके ऊपर आप बाइंग कर सकते हो। सेलिंग के लिए एक हमारा एक 5 मिनट्स का लेवल है 33,467 के नीचे, यहाँ पे आप सेल कर सकते हो। कल हमने कुछ कॉल देखे थे उसमें से जैसे कि इंडस बैंक एक अच्छा वर्क किया और लगभग अपना टारगेट दिया, एशियन पेंट और डीमार्ट ये वर्क नहीं हुए। तो जैसे कि देखिए कि मार्केट एक साइडवेज था तो मोस्टली स्टॉक कॉल नहीं चले। हम लोग कल के लिए स्टॉक देखेंगे। तो पहला स्टॉक है IOC। IOC में यहाँ पे एक रेसिस्टेंस के ऊपर और यहाँ पे एक बेरिश इंगलफिन बनाया है, तो यहाँ पे IOC लग 88 के नीचे अगर जाता है तो सेल कर सकते हो। नेक्स्ट IOC का टारगेट जो रहेगा यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं, फर्स्ट टारगेट इज 87 का देख सकते हैं, क्योंकि छोटा शेयर है तो टारगेट भी इसके छोटे रहेंगे। नेक्स्ट टाटा मोटर्स को देखिए कि एक रेसिस्टेंस के यहाँ पे इसने भी एक बेरिश एंगलफिन बनाया है, तो एक शॉर्ट टर्म के लिए इसको आप लोग सेल कर सकते हो। अगर मार्केट कल थोड़ा सा निगेटिव होगा तो 301 के नीचे आपको सेल कर सकते हो, और पहला टारगेट आएगा 295 का। नेक्स्ट की हेज, हेज के बारे में मुझे किसी ने कमेंट में पूछा था तो मैं हेज यहाँ पे कवर करता हूँ। आज इसमें अच्छा मोमेंटम हुआ है और इसमें जो अच्छा वर्टिकल मूवमेंट हुआ था उसके बाद यहाँ पे रिट्रेस में से ये ऊपर जा रहा है, तो कल हेज जो है कि 2303 के ऊपर अगर कल जाता है, यहाँ पे उसका फिबोनाची का 23% है, इसके ऊपर जाता तो आपको एक अच्छा मौका मिल सकता है। नेक्स्ट उसका टारगेट होगा 2448 का, उसका टारगेट आ सकता है। ये मूवमेंट के बाद इसका एक्चुअल टारगेट डिलीवरी में 2653 आ सकता है, यहाँ पे रिट्रेसमेंट अच्छे लेवल पे हुआ है और ये अच्छे मोमेंटम में है, तो आप इसमें डिलीवरी या फिर इंट्राडे में भी देख सकते हो। तो दोस्तों इतने स्टॉक थे जो मैंने आपके साथ कवर किए, ये मेरे टेक्निकल व्यूज है, ऐसा कुछ भी नहीं कि कल ये स्टॉक ऐसे वर्क करेंगे। इसमें आपको ट्रेड करना है तो आपके फाइनेंशियल एडवाइजर का सलाह लेके आप इसमें ट्रेड कीजिए। और दोस्तों आपको ऐसे टेक्निकल से सीखना है तो आप मेरे साथ सीख सकते हो ऑनलाइन, जिनको भी इंटरेस्ट रहेगा मेरे साथ ऑनलाइन सीखने का तो आप मुझे दिए गए नंबर के ऊपर व्हाट्सएप या टेक्स्ट कर सकते हैं, या फिर हमारी वेबसाइट है stockgurudeepak.in, वहां जाके ज्यादा जानकारी पा सकते हो। दोस्तों यहाँ तक ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक कीजिए, इसको शेयर कीजिए और अपने कमेंट भी दीजिए। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। जय हिंद।